मंगलवार की पावन तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कलयुग के ये देव कहाँ ते बजरंगी हनुमान, राम भक्त सेवक अति प्यारे करते हैं कल्याण। अंजनी माँ के लाल है न्यारे, पवन देव है पिता, बल बुद्धि से भरने वाले इनका ते जैसा। पावन मंगलवार को ये तो पूजे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण की कथा सुनाऊं जो था बड़ा गुणवान, धन की कोई कमी नहीं लेकिन ना थी संतान। हनुमत की सेवा करता वो बने न कोई बात, मंगल का व्रत साध तजावे देव न देते साथ। व्रत पूजन के कारज उनके बढ़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पत्नी ने एक दिन व्रत था साधा अन्न जल छोड़ा, हनुमत से कहने लगी वो तो ध्यान करो थोड़ा। भूख प्यास से निर्बल होकर मूर्छा छाने लगी, दशा थी दारुण उसकी ऐसी वो अकुलाने लगी। हनुमत के ये आव भाव तब तनिक नभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रकट हुए थे हनुमत देखो तब वरदान दिया, कन्या जन्मेगी बड़ी सुंदर ऐसा वचन कहा। कन्या जन्म के वचन को सुनकर ब्राह्मण दुखी हुआ, पुत्र रत्न धन अभिलाषा थी मन में सोच रहा। कन्या जन्म के वचन से वो हर्षित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान
लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अस्पंग होगी बजरंगी ने कहा, सोना इससे प्राप्त होगा ऐसी रची माया। कन्या के अस्पंग से उसको सोना मिलते, निर्धनता सब दूर हो गई, जीवन पलने लगा। पति पत्नी हनुमत लीला से सुख सब पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दिन प्रतिदिन तब उम्र थी बढ़ती, चिंता उन्हें लगी, कन्या विवाह अब करना है, मन में सोच जगी। लेकिन ब्राह्मण सोच रहा तब लालच था आया, सोना उनको नहीं मिलेगा, चेहरा मुरझाया। लालच वाले भाव द्वेष तब मन में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लेकिन मन को मार के देखो ब्राह्मण ढूंढे बड़, रत्नावली पुत्री का नाम था, गुड़ी थी जो सुंदर। दो बरस के बाद उन्होंने वर को था पाया, सोमेश्वर नामक युवक से विवाह को रचवाया। कन्या विवाह करने से वो पुण्य को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सोच रहा सोने कैसे प्राप्त करूं, वो पापी सोच रहा। मन में आया मारूं मैं अपने दामाद को, नहीं किसी को पता चलेगा करूं मैं काज को। यही सोच के मन में उसके अवगुण आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
कत्ल किया, दामाद को ढेर किया। मर गया है दामाद था उसका फैला है समाचार। लड़की दुख से रोने लगी, ये कैसा काल का वार। लड़के के परिवार जन भी आंसू बहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऐसा बढ़ा था पड़ी वक्त की मार। ससुर ने था दामाद को मारा, कैसा हाहाकार। सोने के लालच में आकर ऐसा खेला खेल। अपने घर में ही मारी थी पिता ने काल गुलेल। जीवन में लालच कारण दिन ऐसे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पिता ने समझाया तो बहुत थी बेटी बड़ी रोई। पति गया तो मैं भी मरूंगी, मेरा नहीं कोई। जीवन सुना मेरा हो गया कोई नहीं आधार। रोती बिलखती बेटी प्यारी, पिता खड़ा लाचार। देख दशा तब पिता नयन भी नम हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सती में हूँ मन में किया विचार। पिता ये सोच के दुखी हुआ था, छाया शोक अपार। बेटी को भी घर मरना है, क्यों मारा रे दमाद। अपने हाथों अपने घर को कर डाला बर्बाद। खुद को दोषी मान रहा वो, आगे सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सती होने की सब तैयारी, होने लगे सब काज। देख रहा था व्याकुल होकर, देखो नगर समाज। चिता समीप ही देखो भक्तों, प्रकटे तब हनुमान। बोले तेरी
बल है दूंगा जीवन दान। हत्यारा तो पिता है बेटी भेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। याचना करता ब्राह्मण पकड़े तभी चरण, लालच उसका मिट गया भक्तों आ गया हनुमत शरण। सबने उसको क्षमा किया था पाई फिर मुस्कान, बजरंग बाला ने सोमेश्वर को दिया है जीवन दान। हनुमत कृपा से सारे कारज बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।